Assalamu alaikum, how are you all? I'm your science teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEA. So students, chapter hamara kaun sa chal raha hai? Hamara chapter chal raha hai living organisms and their surroundings, jisme humne kal baat kari thi desert animals, desert plants ke bare mein humne baat kari. To aaj hum padhenge mountain regions ke bare mein. Jab udhar pe jo mountain regions mein jo trees hote hain, jo animals hote hain, wo khud ko kaise udhar pe kaise survive karte hain, aise unme kaun se special features hote hain. Theek hai students, to mountain regions mein हम जो मतलब एनिमल्स हैं, आज हम उनकी बात करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रीज की बात करेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको तो पता है माउंटेन रीजन जो होते हैं, पहाड़ी इलाके जो होते हैं, उधर पे क्या होती है, उधर पे ठंड होती है. ठीक है ना, उधर पे ठंड होती है, काफ़ी मतलब बर्फ भी पड़ती है कि नहीं. तो स्टूडेंट्स अब एनिमल्स जो होते हैं उनमें ऐसे कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो उधर पर वो रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं. लाइक यॉर्क होता है, माउंटेन गोट होता है, स्नो लेपर्ड होता है, शीप होते हैं माउंटेन रीजन्स में, ऐसे एनिमल्स होते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. अब जो एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं माउंटेन रीजन्स पे, पहाड़ी इलाकों में जो एनिमल्स होते हैं रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में जो एनिमल्स रहते हैं उनका क्या होता है, उनकी काफ़ी मोटी चमड़ी होती है. ठीक है ना, उनके पास थिक स्किन मतलब मोटी चमड़ी होती है, जिस या तो फर होता है जिसकी वजह से वो ठंड से बच पाते हैं और उनको गर्मी मिलती है. समझ गए. Yorks have long hair to keep them warm. York जो होते हैं उनके काफ़ी लंबे बाल होते हैं जिसकी वजह से उनकी जो क्या होते हैं उनको गर्मी होती, गर्मी महसूस होती है, उनको ठंड फील नहीं होती, उनको ठंड नहीं लगती क्योंकि उनके पास लंबे बाल होते हैं. ठीक है, स्नो लेपर्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज. स्नो लेपर्ड जो होते हैं स्टूडेंट्स, इसके पास काफ़ी थिक फर होता है इसकी बॉडी पे, इसके पैरों पे भी और इसके टोज पे भी. ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको प्रोटेक्शन मिलती है, इसको प्रोटेक्ट करता है थिक फर, किससे, पैरों को मतलब बचाता है किससे, क्योंकि जब ठंड में जब ये स्नो पे चलता है, जब मैंने आपको बोला है स्टूडेंट्स माउंटेन्स में अक्सर बर्फ़ पड़ती है, तो जब ये स्नो में चल रहा होता है, बर्फ़ में चल रहा होता है, तो इसके पैरों पर भी क्या होता है, फर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है इसको आसानी होती है, इसको बिल्कुल भी मतलब इसको क्या होता है, इसको काफ़ी आसानी होती है स्नो पर चलने के लिए, क्योंकि इसको फर होता है, इसके पैरों में भी फर होता है. ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसको प्रोटेक्शन मिलती है, ठंड से बच जाता है जब ये स्नो पे चलता है. ठीक है, द माउंटेन गोट हैज़ लॉन्ग हेयर टू कीप बॉडी वार्म. अब जो माउंटेन गोट होता है स्टूडेंट, इसके पास काफी लंबे बाल होते हैं जिसकी वजह से इसकी बॉडी जो होती है वो गर्म रहती है, एंड स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स. अब तो आपको पता है स्टूडेंट, जो पहाड़ होते हैं उधर पर काफ़ी रॉकी स्लोप्स होते हैं. ठीक है ना, अब ये जो माउंटेन गोट है इस ये इन रॉकी स्लोप्स इन माउंटेन्स पे दौड़ पाए, चल पाए, तो इसके पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये आराम से इन रॉकी स्लोप्स पे जो माउंटेन्स पे होते हैं इस पे दौड़ पाए, चल पाए. ठीक है, ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं किसके, मतलब एनिमल्स के जो इन माउंटेन रीजन्स पे रहते हैं, जो इन पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं, ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से इधर पे सर्वाइव कर पाते हैं. तो ये थी एनिमल्स के बाद जो कि माउंटेन रीजन्स पे रहते हैं, इनकी अडेप्टेशन के बारे में हमने बात करी. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ट्रीज है इधर पे, जो माउंटेन रीजन्स पे जो ट्रीज है, इनमें से कौन से स्पेशल फीचर्स हैं. समझ गए, तो ये था आज का टॉपिक. इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.